हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग यानी कि टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट हैरी। और दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं टायर रिप्लेसमेंट के बारे में। मेरे बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि यार, गाड़ी के टायर काफ़ी चल चुके हैं तो इट्स टाइम टू रिप्लेस द टायर्स विद न्यू टायर्स। तो मैं आज यहाँ पे आपसे ये बात करने वाला हूँ कि आपने टायर कब चेंज कराना है, किस कंडीशन में करवाना है, कितना टायर घिस चुका है। बहुत सारी एड्स में हम देखते हैं कि 1 लाख टायर चलेगा या 80,000 से अबव चलेगा, तो ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारी आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आप चाहते हो कि आपका टायर 1 लाख चले। तो मेरे वो फ्रेंड्स जो टायर्स के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बजट नहीं है फिलहाल टायर न्यू परचेज करने का, तो कई बार वो करते हैं कि यार, सेकंड हैंड मार्केट से हम यूज्ड टायर यूज़ कर लें। कई बार होता है कि कुछ फ्रेंड्स बड़े टायर्स के चक्कर में या अलॉय व्हील्स के चक्कर में पुराने टायर्स उतरवाते हैं और नए डलवाते हैं। ऐसे ही मौक़ों पे बहुत सारे लोग फंसते हैं, घटिया टायर्स अच्छी क्वालिटी के बोल के दिए जाते हैं और वही हायर प्राइस में वो परचेज करके ले भी आते हैं, लेकिन उसके नुकसान ऐसे हो सकते हैं। जी हाँ, नुकसान काफ़ी भयानक, काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। आप थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान करवा के बैठ जाते हो। इस कंडीशंस में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप चाहे कोई नॉर्मल कंपनी के टायर्स परचेज कर लें, लेकिन ब्रांड न्यू टायर के तरफ ही जाएं। अनटिल और अनलेस आपको अच्छे टायर्स आपके जो सामने चले हैं, जैसे कि किसी फ्रेंड ने उतरवाए अपनी गाड़ी से, वैसे टायर्स आप ले सकते हो अगर आपको पता है कि ये जेन्युइन चले हैं। दूसरे टायर के तरफ नहीं जाना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग पुराने टायर्स को दोबारा काव करके, दोबारा उनकी प्रोसेसिंग करके आपको कुछ इस तरह से। जी हाँ, इस तरह से आपको टायर्स पुराने थमा दिए जाते हैं काफ़ी अच्छी हालत बोल के। तो आज मेरे पास दो टायर्स पड़े हैं, एक मेरे पास पुराना काफ़ी चला हुआ टायर जो कि मेरी गाड़ी का ही है, MRF टायर है। दूसरी टाइप पे एक ब्रिजस्टोन टायर है जो कि अमेज़ का है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, अभी एक बार भी ये हमने यूज़ नहीं किया। तो मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताऊँगा कि आपने क्या चीज़ें देखनी हैं, आपके देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये टायर जेन्युइन है, सही चला हुआ है, मुझे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपने अपनी गाड़ी का टायर चेंज कब करना है। ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी मेरी आज की इस वीडियो से। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरे पास है अमेज़ का एक ब्रिजस्टोन का 14 इंच ब्रांड न्यू टायर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, आपको शक्ल से ही पता चल जाएगा, लाइन्स इसकी ऊपर ड्रॉ की हुई हैं। और आप यहाँ से इस ग्रूव से इसकी जो डेप्थ है, आप किसी कंपस से या किसी स्केल की हेल्प से यहाँ से देख सकते हो कि इसकी जो डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा है। पुराने टायर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये तो नया टायर है, देखने में ही दिख रहा है कि ये ग्रूव्स काफ़ी गहरे हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि अगर ये टायर थोड़ा बहुत चला भी हो तो किस कंडीशन में है। आपने दूसरी मेन चीज़ देखनी है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रबड़ की ही बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन जगह जगह पे ये आपको लाइंस बनी हुई दिख जाएंगी। देखिए यहाँ पे भी आ रही है, आगे भी ऐसे ही मिलेंगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कंपनीज ने इसलिए बनाई होती है ताकि आप नॉर्मल तरीके से चेक कर पाएं कि आपका टायर कितना घिस चुका है। देखिए, अगर आपकी ये वाली जो हॉरिजॉन्टल बैंड है, अगर वो बाहर को आ चुकी है, मैं आपको पुराने टायर में दिखाऊंगा कोरिलेट करके, अगर ये बाहर आ चुकी है तो इसका मतलब है दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज द टायर्स। जी हाँ, तो इन सिमिलर कंडीशन ये मेरे पास MRF का ये दूसरा 14 इंच ही टायर है, काफ़ी घिस चुका है, काफ़ी चल चुका है। लेकिन आप जब भी टायर कभी चेंज करवाने जाते हो तो आपको मैकेनिक भी बोल देंगे कि यार, ये तो टायर बहुत नॉर्मल है, जैसे कि देखने में दिख रहा है कि ये तो काफ़ी चल जाएगा। जी हाँ, इंडियन कंडीशंस में ये टायर काफ़ी चल जाएगा, मेरे ख्याल से आराम से 5000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर ये टायर अभी चलेगा। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये वही हॉरिजॉन्टल बैजिंग है, ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 ये आपको दिख रहे हैं कि ये बिल्कुल टायर के लेवल पे आ चुकी हैं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये अंदर है, ये पूरी इक्वल लेवल पे आ चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यही टायर यूरोप में होता, जापान में होता या किसी और कंट्री में होता
तो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ये चेक कर लेता तो डेफिनेटली चालान पक्का बनता ही बनता है, लेकिन इंडिया में तो सब चलता है क्या। और कुछ दूसरी बातें जो हैं वो चेक करने वाली, वो ये हैं कि अगर टायर देखने में अच्छा लग भी रहा है, आपको ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस टायर में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये देखिए आप एक उभार सा दिख रहे होंगे, यहाँ पे उभरा हुआ है, मतलब ये टायर यहाँ से फूल रहा है, स्वेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस टायर के अंदर से या तो वायर ब्रेक कर चुकी है या ये टायर बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से ये आपको यहाँ रिप्लेस करना बनता है। लेकिन ये स्वेलिंग अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो इस चक्कर में, इस केस में आप ये टायर कुछ किलोमीटर्स, कुछ थाउजेंड किलोमीटर्स अभी चला सकते हो। और इसके अलावा और चीज़ें क्या देखने वाली होती हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये टायर बिल्कुल सीधा है, खड़ा किया हुआ मैंने इस टाइम, तो आप यहाँ पे देखो कि ये टायर एक साइड से झुक रहा है, जो मेरी लेफ़्ट साइड है, इधर से ये टायर अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है। शायद ये आपको कैमरा में पता चल रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन ये चीज़ आपको, लेकिन ये चीज़ आप टच करके फील कर सकते हो कि ये टायर एक साइड से ज़्यादा घिस चुका है और दूसरी साइड से अभी कम है। तो इस कंडीशन में भी ये टायर आपको बेटर अलाइनमेंट नहीं देगा जब आप गाड़ी को चलाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं टायर्स के रिगार्डिंग करने को, लेकिन एक वीडियो में इसको कंपाइल करके आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ, टायर के साथ मैं दोबारा आऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सीधा कीजिए सब्सक्राइब, नो लाइक नो शेयर नहीं चाहिए भाई, सब्सक्राइब कर लो, इतना ही बहुत है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इन इंफॉर्मेटिव बातों का ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।